वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ये ब्लॉग रहने वाला है पल्सर 125 के सेकंड सर्विस के रिव्यू को लेके। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, सब लोग नई पल्सर आती है, नई पल्सर लेके आते हैं, उसका रिव्यू देते हैं कि भाई उसमें ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, उसके अलॉय व्हील्स ऐसे हैं, पिकअप ऐसी है। लेकिन सेकंड सर्विस का जो रिव्यू होता है ना, वो अलग ही होता है, वो एक्चुअल रिव्यू होता है। तो मैं आपको सेकंड सर्विस रिव्यू देता हूँ, तो आइए चलते दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ऑडोमीटर दिखा देता हूँ, तो इसका ऑडोमीटर देख लो आप, और बाइक थोड़ी गंदी है तो माइंड मत करना आप लोग। इसके ऑडोमीटर में आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1337 इतने किलोमीटर ये चल चुकी है, आपको दिख रहा होगा, आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा, 1337। ठीक है, मैंने इसकी सर्विस कराई थी 1250 किलोमीटर पे सेकंड सर्विस, और सेकंड सर्विस जब मैंने कराई थी तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही चलने में, ना ही इसके गियर चेंज करने में। हाँ, जब सर्विस हो गई उसके बाद इसके गियर चेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, जिसको मैंने रेक्टिफाई करा लिया। वो सेकंड गियर, जब सेकंड गियर के बाद थर्ड गियर से डाउन करते हैं, थर्ड गियर से जब ये थोड़ा सा अटक रही थी, तो वो चेन आपको बताइए, चेन टाइट कर दो तो वो सेट हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या है, ना ही इसके पिकअप में कोई प्रॉब्लम है। दूसरी, एवरेज की जहाँ तक बात करूँ तो अभी ये 50 प्लस दे रही है, और मैंने कोई एवरेज एडजस्टमेंट कराई नहीं है इसके अंदर। तीसरी बात आपको बताऊँ, राइड क्वालिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा लॉन्ग राइड करोगे आप तो हाँ, थोड़ी सी कंधों में प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि पहले जो बाइक्स होती थी और अब जो बाइक्स हैं, ये पल्सर का पोस्चर चेंज हो जाता है, तो पोस्चर चेंज होने से थोड़ा सा कंधों में दर्द हो सकता है ज़्यादा लॉन्ग राइड पे। लेकिन हाँ, 80-90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, स्मूथ राइड आएगी। सीट कवर, सीट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्ट सीट है, आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि ये 125 सीसी बाइक है, क्रूजर बाइक नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बाकी ना ही किसी इंजन में प्रॉब्लम है, ना ही कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है, सब कुछ ओके। हाँ, सेकंड सर्विस की मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड सर्विस की जो मैंने इसके अंदर इंजन ऑयल डलाया, वो मैंने भाई अच्छा इंजन ऑयल डलाया, मैंने डलाया मोटुल का 7100 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है, वो इंजन ऑयल मैंने डलाया। तो वो इंजन ऑयल कम से कम, अगर आप बहुत ही रफ भी चलाओगे तो 6-7 हज़ार किलोमीटर आराम से चलेंगे। तो थर्ड सर्विस जब मैं इसकी कराऊंगा तो मुझे लगता नहीं कि इंजन ऑयल मुझे चेंज कराना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, जो शायद कोई नहीं बताता, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा आपको, और सर्विस सेंटर वाले भी नहीं बोलते, पल्सर 125 के अंदर चाहे BS6 ले लो, चाहे BS4 ले लो, ये BS4 है, इसके अंदर ऑयल फिल्टर होता ही नहीं। ये किसी भी यूट्यूब वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, इसके अंदर ऑयल फिल्टर नहीं होता। मैंने अभी सर्विस कराई थी तो मुझे पता लगा इसके अंदर ऑयल फिल्टर होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेधड़क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ना ही इसके अलॉय व्हील्स में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ना ही इसके टायर्स में प्रॉब्लम आने वाली है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो भाई यही था आज के वीडियो में, लॉन्ग टर्म रिव्यू में सेकंड सर्विस का 1337 किलोमीटर का, कोई बेधड़क चलाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, बस हर बात मैं कहता हूँ, लॉन्ग टर्म ज़्यादा लॉन्ग राइड के लिए नहीं है, क्योंकि भाई इसके पोस्चर ऐसे नहीं है ना, तो आप उसके साथ ही क्रूजर बाइक नहीं, लेकिन छोटे मोटे एरिया के लिए 80-100 किलोमीटर जैसे मैंने पहले से बोला, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आराम से चलाओ। सेकंड सर्विस में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई, ना ही इसके कार्बोरेटर में कोई दिक्कत आई, ना ही इसके ऑयल टैंक में कोई प्रॉब्लम हुई, ना ही इसकी CDI में कोई दिक्कत है, ना ही इसके बैटरी में कोई दिक्कत है, सब कुछ ओके है। तो भाई आज के वीडियो में यही था कि पल्सर 125 बढ़िया बाइक है, हमसे खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, लो अलर्ट बाइक और लॉन्ग टर्म चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भाई मेरा अच्छा लगा होगा, जिसको भी अच्छा लगे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, हाँ भाई बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस के अपडेट मिलते हैं। तो आज के लिए भाई इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा एक बढ़िया सी चीज़, जो लोग कहते हैं कि भाई जो अलॉय व्हील्स वाले टायर हो, जिसमें डिस्क ब्रेक लगी हो, उसमें व्हील लॉक नहीं लग सकता, मैं आपको दिखाऊंगा व्हील लॉक कैसे लगता है, और भाई लगा के दिखाऊंगा दिखाऊंगा मैं आपको कैसे लग सकता है। लगाने की वीडियो तो आपने बहुत बार देखी हुई, लेकिन कैसे लगा हुआ है मैं दिखा दूँ, उसमें कोई जुगाड़ नहीं करा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लगा हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो भाई ये रहेगी, तो भाई साहब अपडेट रहना आप। चलो, तो आज के लिए इतना ही, जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।